हेलो नमस्ते श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं अपना हाल चाल। और थोड़ी सी आई थिंक फास्ट इंट्रो हो गई। सो आज की वीडियो होने वाली है कयामत की सात बड़ी निशानियां बाय डॉक्टर इसरार अहमद। ये रिक्वेस्ट भी आई हुई है। अच्छा ना, मेरे को ये एक्चुअली वीडियो दिख गई ना यहाँ पे साइड पे, तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक हुआ कि कयामत की सात निशानियां वीडियो, यार ये किसी ने कहा हुआ आई थिंक वीडियो बनानी है ये, है ना। मैंने बिना इसको देखे हुए निकाल दी वीडियो और यहाँ पे भी लिखी हुई है। और जो लोग वीडियोस हमारी पहले से देख रहे हैं उनको पता, मैंने लिस्ट आपको दिखाई है कि हम आपकी सारी की सारी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। सो ये वीडियो सुनते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद जी को मैं सेकंड टाइम सुनने लगा हूँ, मैं सेकंड टाइम इनका वीडियो देखने लगा हूँ। आई थिंक एक दो बार पहले देख चुकी है जब हम इकट्ठे रिएक्शन नहीं करते थे उससे पहले। तो मतलब ना इनका लास्ट मैंने बयान सुना, बहुत ही खूब, बहुत ही कमाल का, और बहुत कमाल की इन्होंने बातें करी उसमें, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो इनकी एक वीडियो है जो नेहा की भी मतलब अच्छी खासी आपने रिस्पांस दिया था, वो थी कि अफगानिस्तान तालिबान वाला कोई था कि अफगानिस्तान में दोबारा से जब तालिबान आए थे, तो वैसा क्या उनको पहले से ही पता था, उनकी प्रेडिक्शन थी ये पहले की। अच्छा। जो कि अभी सच में ऐसा हो रहा है। तो मतलब ना फिर मेरा वो वीडियो देखने का बड़ा मन कर रहा था, पर अब वो टॉपिक थोड़ा सा पुराना हो गया, तो तब वो टॉपिक नया नया था, तो इसलिए आपने सभी ने देखी होगी। तो इसको करते हैं प्ले, अगर देखते हैं वो वीडियो भी, मेरा मन है देखने का वैसे। आप बता कि क्या कहा उन्होंने, कैसे कहा था। सो इसको सुनते हैं, बाकी यही गला खराब है, खांसी सी हो गया। सो फिर करते हैं अपन बाकी बातें। सो करें प्ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अला बातें कुबरा का जिक्र, बड़ी अलामत है जो कि बिल्कुल खर्क आदत के अंदाज में होगी। इनका मामला जो है वो आपके नाप तोल में नहीं आ सकता, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स उसका जो है वो नहीं कर सकती, इदराक होगा ये कयामत की। उनमें नंबर एक क्या है, एक बहुत बड़ा धुआं आएगा, पूरी दुनिया को लपेटेगा। नंबर दो, दज्जाल का ज़हूर होगा जो अपनी खुदाई का दावा लेकर आएगा और बनवाएगा। उसके हाथ में हो जाएंगे, कब्जे में हो जाएंगे सारे ज़राए पैदावार के। उसकी तरफ ही पहला कदम उठ चुका हो, ट्रिप्स के नाम से मुआहदा हो चुका है। कोई मुल्क अपना बीज पैदा नहीं कर सकता, ये बीज हमने डेवलप किए हैं। इनके डेवलपमेंट से पहले तुम एक एकड़ से कितनी कितनी गंदू लेते थे, आज कितनी ले रहे हैं? किस बिना पर? जेनेटिक्स का जो काम हमने किया है उसके बिना पर हुआ? हाँ, तो हमारा हक है, इसकी रॉयल्टी हमारे पास आनी चाहिए। लिहाजा सिर्फ उन इदारों से, मल्टीनेशनल से खरीदा जाएगा बीज, और बीज भी वो देंगे वो कि जिससे जो फसल उगेगी वो बीज नहीं ला सकती, वो बीज का काम नहीं कर सकती। जैसे आपको मालूम है कि आपके यहाँ जो गोश्त खाया जाता है मुर्गे का, तो मुर्गा वो जो है उसमें मुर्गा हो या मुर्गी हो उसके अंदर कोई वो कैफियत ही नहीं है, उनके अंडे जो है उनसे आप बच्चे हासिल नहीं कर सकते। है तो अंडा, देखने को तो अंडा है, लेकिन वो अंडा जो है उससे बच्चा तो नहीं हासिल कर सकते। ऐसे ही वो गंदम का बीज देंगे, लग रहेगी गंदम, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि उससे जो फसल उगेगी उसका नतीजा जो है वो भी आप ले सकते। ये होना है, अल्लाह जाने, कदम उठ रहे हैं उधर। फिर ये है कि दाबतुल अर्द, जमीन से एक हैवान नमूदार होगा, जमीन शक होगी। अभी मैं कह रहा हूँ खर्क आदत है, ये चीज़ें वो नहीं है जो हमारी किसी हिसाब किताब में, जो बातें पहले आई हैं वो तो हिसाब किताब में आ रही हैं, सारी समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें मुशाहदा उनका हो रहा है। लेकिन यह है कि दाबतुल अर्द, ये कहते हैं कि कोहे सफ़ा, इसमें तो नहीं है हदीस में, कोहे सफ़ा फटेगा और उसमें से एक हैवान दाबा वो जाहिर होगा। तो इसीलिए फरमाया है वैज़ा वकाल कौन अलैहिम अखरजना लहुम दाबतन मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम, तो हम अंदर से पेट के चीर कर जमीन जमीन के पेट को एक हैवान को बरामद करेंगे जो इंसानों से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा। नंबर चार, तुलू शम्स मिनल मग़रिब, ये भी खर्क आदत, सूरज तो तुलू होता है मशरिक से, गुरू होता है मगरिब में, लेकिन उस पर मामला उल्टा होता है। यानी जो कायनात के अंदर जो गड़बड़ हो गई, कुछ समझ में बात आती है कि ये मामला जो है ये तो इस पूरे सोलर सिस्टम को अगर बदल देते हैं तो मशरिक मगरिब हो जाना, मगरिब मशरिक हो जाना, ये समझ में आने वाली बात है। इसके बाद है ईसा इबन मरियम का नुज़ूल, जिसके बारे में आज मैंने गुफ्तगू की है तफसील से। ये नुज़ूल होना है, ये अलामात क़यामत में से हुज़ूर ने बयान फरमाया है, और कुरान मजीद की जो इस्तिलाहात है उसके हवाले से मैं नस्स क़तई जो है
वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। फिर याजूज माजूज का एक मामला है, ये मैं अभी इस वक्त ज्यादा इस पर बात नहीं कर सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दो काम हो गए, यहूदियों का कला कमा खत्म, तमाम यहूदी, एक काम तो ये होना, और नंबर दो ईसाइयत का खत्म हो जाना। ईसाइयत की नफी कर देंगे, भाई मैं तुम मुझे खुदा का बेटा बनाए बैठे हो, मैं तुम खुदा का बेटा नहीं हूं, मैं तो उसका बंदा हूं रसूल, मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे खुदा का बेटा बनाओ। नंबर दो ये कि वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे, यानी ये तुमने खिंजीर कब से खाना शुरू कर दिया, मैं तो तुमको निकाह इजाजत देकर गया था, ये तो शरीयत मूसवी में हराम था और मैं कहकर गया था कि यही शरीयत तुम पर लागू रहेगी, हाउ कम तुमने कैसे ये। आज भी बहुत से रोमन कैथोलिक्स जो है वो सूअर नहीं खाते, वो इसमें है उनके अंदर कुछ ना कुछ बात जो है, जो हजरत ईसा की तालीमात का कुछ कुछ असर उनके यहाँ है। मैं तो एक मरतबा, ये 1971 की बात है, 4-5 दिन के लिए ब्रसल्स में रुका था, इसलिए कि वहाँ मुझे एक साहब ने खत लिखा था कि वहाँ एक नौजवान है अभी इस ईमान लाया है और उसके कुछ मसाइल हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके मसाइल हल करें, आप भी जा रहे हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा था तो वापसी पर आप उनके यहाँ चंद दिन ठहरे। मैं ठहरा, मैं हैरान हुआ, वैसे उसने मुझे अपने घर ठहराया नहीं, इसलिए कि माँ बाप तो उसके क्रिश्चियन थे और पुलिस का चीफ ऑफिसर उसका बाप था, चीफ ऑफ पुलिस फोर्स, उसने मुझसे एक दिन खाने पे बुलाया, वैसे होटल में ठहराया मुझे, उसने कहा आप इत्मीनान से यहाँ खाना खाएं, इस घर में ना आज तक कोई शराब की बूंद आई है और ना ही कोई बोटी आई है सुअर, रोमन कैथोलिक। अब अकलौता बेटा था अब्दुल अजीज, उसने बाद में नाम रखा वान कैंटन, उसका नाम था जो कि ओरिजिनल था, फिर उसने नाम रखा अब्दुल अजीज वान कैंटन, पुराना नाम भी बहाल रखा, नहायत देख नहायत खूबसूरत, 28 साल की उम्र थी और उस वक्त मैंने देखा था कि उसकी फिकही मालूमात जो है मेरी मालूमात से 10 गुना ज्यादा। इसकी वजह क्या है, वो गया था मोरक्को में एज ए टीचर मुलाजमत करने, पैसा कमाने, वहां वो मुसलमानों से उसका हुआ रब जब्त हुआ, इस्लाम की तालीमात सामने आई, इस्लाम ले आया, अब अकलौता बेटा है और माँ बाप जो है क्रिश्चियन कैथोलिक्स। जब वहां से वापस आया तो फिर कहते हैं कि हमारे दरमियान एक मुआहदा है, वी आर लिविंग टुगेदर, लेकिन ये मुआहदा है हम मजहब पे बात नहीं करेंगे, बस बाकी जो भी है वो साथ रह रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, उसके बाद उसने जब इस्लाम का फैसला किया तो उसके सामने सवाल आया कौन सी फिक्र इख्तियार करूँ, तो उसने बड़ी जो है थॉरो स्टडी की है तमाम फिक्रों की, कंपेरेटिव स्टडी इनको करने के बाद फिर फाइनल फैसला उसका ये था कि हम्बली फिका मैं इख्तियार करूंगा। चारों फिकों में सबसे लेटेस्ट हम्बली है, यानी हनफी नंबर एक, फिर मालिकी नंबर दो, फिर उसके बाद शाफी नंबर तीन, फिर ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के ज़माने तक अहादीस बहुत बड़े पैमाने पर जमा हो चुकी थी, जबकि अभी हजरत इमाम अबू हनीफा के ज़माने में कोई इतना ज़्यादा जो है हदीस का अभी ज़खीरा नहीं बना था। इसी पर तो लोग हैरान होते हैं कि ज़्यादा हदीस इमाम अबू हनीफा के इल्म में नहीं थी, लेकिन बजाल है कि उनका कोई फतवा जो है किताब और हदीस के, किताब और सुन्नत के खिलाफ हो। अगरचे उन्होंने साफ कहा कि अगर तुम पाओ कोई ऐसी सच्ची हदीस, पुख्ता हदीस जो मेरी किसी राय के खिलाफ हो तो मेरी राय को दीवार पर दे मारना और उस सही हदीस की पैरवी करना। लेकिन वैसे उसके बाद ये कमाल ये है कि बहुत ही कोई शाज मामला है कि जिसमें उनका कोई फतवा वो किताब और सुन्नत के मुनाफी हो या सुन्नत के मुनाफी हो, किताब का तो सवाल पैदा नहीं होता, किताब तो सारी उनके सामने मौजूद थी। इसके बाद ये है कि याजूज माजूज, जिसमें मैं बता रहा था आपको कि जब ईसाइत भी ख़त्म हो गई, यहूद वैसे ख़त्म हो गए, इस्तीसाल हो गया, जड़ कट गई, अब ईसाइत गोया कि इस्लाम में जम हो गई, ईसाइत मजहब खत्म, यहूदी खुद खत्म, अब यह ताकत कितनी हो जाएगी, तकरीबन 2/3 दुनिया आ गई तमाम, अब ईसाई 2 अरब के करीब है, 1 अरब 90 लाख 90 करोड़ हो गए, या मुसलमान भी 1 करोड़ 50-60 लाख है, दोनों को जोड़ लीजिए कितने हो गए, 6 अरब कुल आबादी है।
लेकिन उसके बाद आता है याजूज माजूज का खुरूज। ये याजूज माजूज मेरे नजदीक चाइना और रशिया है, इनकी मजमूई ताकत इतनी होगी और ये इस तरह आएंगे हर ऊंचाई पर से उतरते हुए फिसलते हुए, जैसे 1962 में जब वॉर हुई थी बिटवीन चाइना एंड इंडिया 1962 में, तो वो उस वक्त का नक्शा मुझे आज भी अखबार में पढ़ता था, तो यार वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वर कमिंग डाउन द स्लोप्स ऑफ हिमालयस। ये तो वो है ना जिनकी तादाद का कोई हिसाब नहीं है, और रशिया और ये मिलकर जो है, मेरा अंदाजा ये है कि जब पहले मलहमतुल उज़्मा होगी वो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, उस वक्त ये दोनों पावर्स न्यूट्रल रहेंगी, लेकिन गालिबन ये बात तय कर लेंगी कि वेपन्स ऑफ वर्ल्ड जो है मास डिस्ट्रक्शन ये इस्तेमाल मत करना, अगर ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करोगे तो हम मैदान में आ जाएंगे। उसमें वो जंग जब हो चुकेगी, फिर हजरत ईसा को फतह हासिल हो जाएगी, और फिर ये कि यहूदियत ख़त्म हो जाएगी, ईसाइयत बतौर मज़हब ख़त्म होकर इस्लाम में ज़म हो जाएगा, फिर वो 40 बरस का अहद हुकूमत है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब ये फतह हो जाएगी इन पर, अब याजूज माजूज आएंगे और इतनी तादाद में आएंगे कि बहर तबरिया जो है उसका सारा पानी पी जाएंगे। ये तो अगर आपको कभी अंदाज़ा हो या कोई आप जाने इन लोगों को जो इन चीनियों से वाकिफ़ हैं, वो कहते हैं ज़मीन पर हिलती हुई कोई चीज़ों से वो छुड़ी छोड़ खा जाएंगे। जहाँ वो जाते हैं एज ए लेबरर, वहाँ के जो सारे कुत्ते हैं ख़त्म, सारी बिल्लियाँ ख़त्म, हर शय वो जो सांप खाते हैं हर चीज़ खाते हैं, और ये तमाम ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता है, बड़ी डिलिशियस डिशेज हैं ये सांप वगैरह वगैरह, और ये जिस तरह खा जाए पानी पिया एक कतरा नहीं रहेगा उस पर। तो फिर जो है अल्लाह ताला उस वक्त जो है इसमें एक ऐसी बीमारी पैदा करेगा, ये सब मर जाए, ये मौजदे से होगा, यानी इनके ऊपर फतह जो है वो आम लड़ाई के जरिए से नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर फतह जो होगी वो अल्लाह ताला से मौजदे, एक बीमारी पैदा होगी सब मर जाएगी, और उसके बाद और ऐसा हो भी रहा है। कोविड के सीन में यही चीज है जो कि वैसे माना जा रहा है वुहान से स्टार्ट हुई चाइना से, है ना, कि से उन्होंने कहा कि चाइना वगैरह के लोग खाएंगे सांप एंड वो खाते भी हैं, और क्या क्या है और कई लोग मरे हैं इस चीज के कारण, तो इनकी प्रेडिक्शन यार बहुत ही कमाल की रहती है, इनका बोलने का तरीका है ना कि नहीं यार ऐसा होगा ऐसा होगा, हालांकि इनकी दो बातें सच हो चुकी हैं, एक तो अफगानिस्तान वाली और एक ये कि चाइनीज से ऐसा होगा। इनकी बातें नहीं है, मुझे भी कंफ्यूजन होती थी, मतलब ये लिखी हुई किताब मतलब कुरान में है किसी उसे ऐसी होली बुक में लिखी हुई है, सो वहां से ये बातें जो बताते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि ये खुद बोल रहे हैं, मतलब मुझे भी ये मिस्टेक थी, बाकी शायद बाकी लास्ट में करेंगे डिस्कस। सो अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा बड़ी लंबी लंबी गर्दनों वाले, वो इन सबको खा जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ गिद्ध होते हैं वो इनको साफ कर देंगे, वरना तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बदबू और जो पैदा होता मामला उससे, तो उस नौ इंसानी की बका मुमकिन नहीं थी। इनके खात्मे के बाद फिर ये होगा कि हुकूमत इस्लामी जो है पूरी दुनिया में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की होगी, 45 बरस वो रहेंगे, इसी में वो कहलन भी आ जाएगा, वो फिल्माद व कहलन जो मैंने शुरू में बयान किया था, इसी में फिर ये है कि वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी, और फिर उनका इंतकाल होगा तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में, वहीं पर जहाँ हुज़ूर और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दफन है, वहीं पर उनको दफन किया जाएगा, और क़यामत के दिन हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं और ये तीनों साथ निकलेंगे। तो ये है वाला तो वाक़यात, बहरहाल इसमें यह है कि ये नोट कर लीजिए कि जहाँ तक हमारे यहाँ आजकल का मामला है, मेरे नज़दीक मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, जो रफ़ो नज़ूल मसीह को नहीं मानता वो कम से कम मुनकिर हदीस ज़रूर है, मैं इससे कम का फतवा नहीं दे सकता। अब यह है कि जो लोग महदी को नहीं मानते उनका मामला मैं मुख्तलिफ समझता हूँ, चंद मिनट ले रहा हूँ आपके, और इसलिए कि उनकी हदीसें सही हैन में नहीं है, बुखारी मुस्लिम में नहीं, और यह कि बहरहाल उनका मामला जो है वो ऐसा नहीं है हज़रत ईसा का, हज़रत ईसा के आने का जो कुछ होगा वो तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, लेकिन यह है कि हज़रत महदी हमारे नज़दीक उसमें खरते आदत कोई है ही नहीं, जैसे हर सदी के मुजद्दिद होते हैं आखिरी सदी के मुजद्दिद वो होंगे, और मेरे नज़दीक यही आखिरी सदी है और इसी में हज़रत महदी का ज़ुहूर हो जाना। सऊदी अरब में
कोई खाना जंगी होगी किसी बादशाह के इंतकाल पर, और फिर उस वक्त ये जाहिर होंगे उस वक्त मुल्क के हालात को संभालने के लिए लोग इनको ज़बरदस्ती निकालेंगे, छुपे हुए होंगे एक घर में। ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि एक बादशाह के इंतकाल पर ये खाना जंगी हो जाएगी और एक शख्स मदीने से भाग कर मक्के में छुप जाएगा। ये तो है उनके अल्फाज, मैं तौजीह कर रहा हूँ। ये लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे कि ये जो वक्त आया है फितरे का हमारी कौम पर, हमारे मुल्क पर, तो इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये बीच में आए, सुलह सफाई कराएं, और वो जो है इस जिम्मेदारी से बचकर भागेंगे और जाकर मदीने मक्के में छुप जाएंगे। फिर लोग उन्हें तलाश करके निकालेंगे और ज़बरदस्ती उनके हाथ पर बैठ करेंगे, वरना वो इतने बड़े मनसब को। और फिर ये भी है, एक हदीस में आता है उसने हु फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में उनकी मुकम्मल इस्लाह कर देंगे। यानी अगर कोई थोड़ा बहुत नक्स और ऐब हुआ भी, कोई कमी कोताही हुई भी, तो अल्लाह ताला एक रात में इस्लाह करवा दें। लेकिन हमारे नज़दीक इसके अंदर कोई खर्क आदत है ही नहीं। अलबत्त जो ऐसे कहते हैं अहले तशय्यो, वो खर्क आदत है कि उनके बारहवें इमाम जो है वो बचपन ही के अंदर इस खौफ से कि जो बनू अब्बास बादशाह हैं वो इनको कत्ल कर देंगे, तो वो एक गार में छुपा दिए गए। अब वो 1200 बरस से उस गार के अंदर छुपे हुए, और उसके बाद वो जाहिर होगी, वो इमाम महदी होंगे। इसमें खर्क आदत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहस खर्क आदत की बुनियाद पर हम उसकी नफी नहीं करेंगे। क्यों? क्या हम ये नहीं मानते कि असहाबे कहफ 300 बरस तक सोए रहे? ये क्या आम बात है? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें मौत दी, मौत, और 100 बरस के बाद जिंदा करके उठा लिया। तो खर्क आदत, हजरत ईसा को हम इतना बड़ा खर्क आदत मानते हैं कि उठाकर आसमान पर, तीसरे आसमान के ऊपर है, मौजूद है, अब भी है। शबे मेराज में तीसरे आसमान पर हुजूर की मुलाकात उनसे हुई। तो ये खर्क आदत की बुनियाद पर नफी नहीं हम करते, हो सकता है, लेकिन ये कि उसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं, कोई अहादीस नहीं, कुछ नहीं, इसलिए हम उसको नहीं मानते। अलबत्ता खुद वजूद जो है हजरत मादी का, वो कोई अजीब बात नहीं है। वो तो जैसे पहले भी आए हैं हमारे मुजद्दीन, ऐसे मुजद्दीद होंगे और दीन को ताज़ा कर देंगे। एक सही इस्लामी रियासत जो है वो अरब में कायम हो जाएगी दोबारा। हुज़ूर ने फरमाया वो अदल और इंसाफ से अरब को इसी तरह भर देगा जैसे कि वो उससे पहले जुल्म और जोर और ज्यादतियों के उससे भरी हुई होगी। तो ये काम होगा, ये तो मुजद्दिद का काम होता ही है इस हवाले से। लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी कहा कि अगर अहादीस की कमजोरी की वजह से कि सही ऐन में नहीं है, अगर कोई शख्स इनकार करे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हजरत ईसा के नफ़े समावी और हजरत ईसा के नुज़ूल का इनकार करता है, वो कम से कम, मैं उन्हें और आगे कोई फतवा नहीं देता कि वो काफिर हो गए या ये हो गए या वो हो गए, लेकिन मुनकर हदीस के लाइन में तो वो लाजमन खड़े हो गए। सो ये थी बहुत मुझे पता नहीं क्या हुआ इनका, मतलब इनका मैं लोगों को देख रही थी, लोगों के रिएक्शन जो है ना जब इनका लोग बयान सुन रहे हैं तो एकदम शांत होके बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रहे हैं, ध्यान मतलब लगा के सुनने वाला ही बयान था ये। मतलब ये ऐसी बातें करते थे कि जैसे मतलब सब इनको पता हो और ये चीज मतलब 110% होनी ही होनी है। बीच में एक दो बातें इन्होंने कही वो तो सच है, कोविड वाला जो रिलेटेड आप केस था बीच में वो तो है ही है ना। तो इनके और भी ज्यादा ऐसे बयान होंगे, ऐसी ऐसी निशानी ने बता दी, लोगों के फेस में थोड़ा डर भी दिख रहा था ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो हम कैसे जी मतलब करेंगे ना। सो कयामत की निशानी है, उससे पहले आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को ऐसा बनाओ कि ताकि अगर आप कयामत का जब वो दिन आए तो आप जो है अच्छी जगह पे जाके बाकी बहुत बढ़िया वीडियो थी। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।